पहले बैठना सीखिए फिर डिबेट होगी। बैठिए ईशान जी, बैठिए ईशान जी, बैठिए। कपूत शब्द नहीं लूंगा, एक्सेप्टेड नहीं है मेरी डिबेट में, तो नहीं है, जो कह दिया वो कह दिया जी, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेड है। मनोज जी नहीं एक्सेप्टेड है वाड़ी है। प्रतीक जी मैं ये कह रहा हूं, एक वो सपूत है जो भारत के लोकतंत्र, मैंने कहा यह ठीक वैसे ही, मनोज जी ये ठीक, मनोज मनोज मेरी बात सुनो, ये तर्क वैसे ही है जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री पहले, लेकिन इससे मतलब ये नहीं हो जाता कि मोदी छोटे हो गए। और अगर कोई मोदी की तारीफ करता तो आप पहले कहेंगे नहीं पहले नेहरू जी का नाम लीजिए, ये कौन सा तर्क हुआ। ये ठीक वैसे ही अगर राहुल जी ट्रक पे बैठ के जाते हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है जी जी जी। मैं विदेशी धरती की बात कर रहा हूं, मलेशिया की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां पर जाकर के भारत के लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये कहिए भारत को बदनाम करने की जो बात करते हैं उसकी बात करते हैं, जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने का काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो 140 करोड़ लोगों का बार बार अपमान करने का काम करते हैं। ठीक, आज प्रतीक जी मेरी व्यक्तिगत नाराजगी आपसे है, ये पहली बार हुआ है। आपने इनको कितनी बार कहा कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत, मेरे प्रधानमंत्री से वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आपने कभी सुना मेरे मुंह से कि हमने कभी उनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री के अलावा कुछ बोला हो? इस तरीके की भाषा मुझे नहीं लगता कि कौन से संस्कारों में होगी। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मनोज आज मैं नाराज हूँ आपसे। प्रतीक जी इस तरीके की भाषा, मैं कपूत शब्द नहीं लूंगा। और प्रतीक जी महानता देख लीजिए, उसी हिरोशिमा में जहां पर ये नरेंद्र मोदी जी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, उन जो नोबल लॉरिएट जो वहां पे लेखक थे, उन्होंने क्या कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी महानता को देखकर मैंने हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सीखा और उसके एवज में मुझे पद्मश्री मिला है। तो नेहरू जी की महानता के सामने हम किसी को लाकर खड़ा कर दें ये ठीक नहीं, लेकिन अपने नेता की महानता बताने के लिए आप दूसरे के नेता को कुछ कहेंगे तो हमें भी आता है कि किस तरीके से आपके नेता की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। देखिए मैंने एक तर्क दिया, मैंने वो तर्क ये दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी बड़े नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय, हम सारे लोग उनको जानते, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी जी इज बॉस, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, तो इसे छोटे हो गए, यह बिल्कुल नहीं गलत बात है जी। लेकिन आपने नो आज आपने कहा आज नहीं, तरीका बिल्कुल मेरा सही है, मेरा नहीं, कुपुत्र शब्द जो है ये इसको कह दीजिए ये गलत शब्द है बस, बाकी मैं आप डिबेट सही है आपकी। देखिए प्रतीक जी, मौत का सौदागर पर कम माफी मांगेंगे, रावण पर कम माफी मांगेंगे, बिच्छू पर कम माफी मांगेंगे, जहरीले सांप पर कम माफी मांगेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी को बयान में बाण में गाली दी उस पर कम माफी मांगेगी सोनिया गांधी राहुल गांधी जी, जो डंका बोलेंगे उनको पीटने के लिए डंडे लेकर के भागेंगे लोग, और उनको दुर्योधन बोलने पर प्रियंका कम माफी मांगेगी। अब मेरी भाषा को थोड़ा सा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन मनोज यादव ने जो अभी जिस नेता के बारे में, प्रतीक जी अगर मनोज यादव ने हमारे नेता के बारे में कहा, मनोज यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, जिस नेता का ये नाम ले रहे हैं वो यहाँ व्यक्तिगत तौर पर होते और उन्होंने कहा होता तब ये बात करते। मैं मनोज आपका तर्क मैंने बिल्कुल लिया, मैंने आपके तर्क को ले लिया एज इट इज ले लिया। कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, बीजेपी से कांग्रेस की तरफ तमाम सारे वाक युद्ध हुए, लेकिन मैंने अपनी डिबेट का एक नियम बना रखा है कि इसमें कोई भी अपशब्द व्यक्तिगत तौर से नहीं कहा जाएगा, वो अनएक्सेप्टेड है, अनएक्सेप्टेड है जी। प्रधानमंत्री के लिए बोला जाए ना, किसी भी नेता के लिए नहीं बोलना चाहिए, कोई भी नेता हो, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, गलत बात किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही मेरा तर्क है मनोज, इसके अलावा कोई नहीं है। देखिए प्रतीक जी, आपके सारे तर्कों से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के जब यहां मिमिक्री करते हैं और अपमानित करने का काम करते हैं तब कहां सो जाते हैं सब लोग? तो मेरे शो में करके देखे कभी ना, यहीं पर मैं भगाना दूं, यहां देखो जवाब कर रहा था, सही है जवाब एक दिन कर रहा था प्रधानमंत्री की मिमिक्री। अरे क्या करेगा, देखिए प्रतीक जी मनोज मैं आपकी बात में आज तक आ रहा हूँ, मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ। इन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि वो लिख ले गड्डी लेके, मैं याद दिलाना चाहता हूँ
जब मैंने कहा, आपने कहा हाँ। लेकिन ट्रक में तो वो सवार होकर चले ना, वो ट्रक वालों की परेशानियां पूछना चाहते हैं ना। ऐसे उन्होंने बुंदेल भाई की परेशानी पूछी थी बुंदेलखंड में जाकर, क्या हुआ? अरे उस भूजन भाई को साफ पानी प्रधानमंत्री नल योजना में मिला, आवास योजना में पक्का मकान मिला, राशन मिला, उसके अलावा आयुष्मान कार्ड मिला। उसी प्रकार इन्हीं ट्रक वालों को पक्की सड़क बिगर खड्डे की, एक देश एक टैक्स, उसके अलावा स्वास्थ्य बीमा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो ये चीज हो गया हाँ। हो गया, चिल्ला लिया, सुन लीजिए प्रदीप जी, मनोज यादव जी ने ये हाँ। बात बोली कि देश में एक कपूत ट्रक लेके निकले, ये बोला इन्होंने, यही वर्ड थे इनके कि देश में कपूत ट्रक लेके निकले। ट्रक लेके इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ट्रक चलाते हैं और लाखों करोड़ लोग देश में ट्रक चलाते हैं, उनको गाली देने का काम मनोज यादव जी ने किया है और अभी तक इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये चिल्लाएंगे नहीं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी ने बात करते हैं, चाय वालों को, पकौड़े वाले को, गार्ड को, ठेले वाले को किसने गाली दी है पूछना चाहता हूँ। चौकीदार चोर है किसने, इनसे पहले बुलवा लीजिए, गाली किसने दी है? ये ज्ञान दे रहे खड़े होकर, पहले बोलने दीजिए, मेरे भाई को पहले बोलने दीजिए। प्रतीक जी, ये कैसे कपूत, आप अपनी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। अरे नहीं ले जा सकते, ट्रक वालों को इन्होंने गाली नहीं दी, आपने एक कपूत बोला और एक कपूत पे उसी पे मुझे ऑब्जेक्शन है, ट्रक वालों पे नहीं बोला। दूसरी बात, वो भी वो शब्द वापस, अभी अपनी बात वापस नहीं लूंगा, वापस शांत रहिए। अरे रुकिए, झगड़ा सुलझाने आए या झगड़ा लगाने? झगड़ा सुलझाने का मतलब नहीं, मुझे मुझे आप ये बताओ, झगड़ा सुलझाने आए हो, झगड़ा लगाने? गलत बोलना पड़ेगा भाई, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तभी मैंने कहा मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ, मनोज जी के उस शब्द पे मैंने आपत्ति जताई, तो झगड़ा सुलझाओगे कि लगाओगे? माफी किस बात की मांगे, वो किस बात की माफी? वो सांप बोल दिया, उसको बिच्छू बोल दिया। भाई वक्त छोड़ दे, ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, डिबेट का समय सारा निकाल दिया। पुलिस का नया पैतरा माना जा रहा है, जिससे शाइस्ता पर सरेंडर के लिए दबाव बनाया जा सके। एक तरफ माफिया सरगना अतीक अहमद की संपत्ति को लेकर मारामारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अतीक की जुर्म की सल्तनत पर कब्जा करने की जद्दोजहद भी उसकी गैंग में होने लगी है। दरअसल प्रयागराज में अतीक के दबदबे वाले इलाके में एक हिंदू परिवार को धमकाया है और 15 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं मिलने पर या पुलिस में जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।